Good morning, students. Now, in the continuation of chapter number 6, here we discuss a very important concept, that is parallel line in the transistor. Here, line X and Y parallel to each other, it is given, right? And transversal P cut at two distinct points, right? So, as we discussed in earlier classes also, which type of angles are formed and how much angles are formed here? Look at here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Number of angles, that is 8 angles are formed. 1 and 2 and 7 and 8 are exterior angles. Angle 3, 4, 5, 6 are interior angles. Now, you know that angle 1 and angle 5 corresponding angle. Yes? Angle 2 and angle 6 corresponding angle. Similarly, angle 4 and 8 and then angle 3 and 7 are corresponding angles. Now, what about angle 4 and 6? Is there a relationship between 4 and 6? Yes. 4 and 6, similarly 3 and 5. These pair of angles are known as alternate interior angles. 4 and 6, 3 and 5. Right? What is the relationship between them? We will prove by using the theorems कि alternate interior angles क्या होते हैं और उनमें क्या relations होते हैं, corresponding angle axioms अभी हम लोग पढ़ेंगे, हम आगे discuss करेंगे. Now one more type of angles we will discuss here, that is angle 4 and 5, similarly 3 and 6. 4 and 5, this pair 4 and 5, same side of transistor, or we can say allied angle, or we can say co-interior angle. Co-interior भी बोलते हैं इसको, एलाइड एंगल्स भी बोलते हैं और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं. ठीक है, एंगल 3 और एंगल 6 भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है. इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ये हम लोग आगे प्रूव करेंगे. राइट, अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, ये जो एंगल्स सारे हम लोगों ने यहाँ, जब ये कब होता है, ये लाइन जब पैरेलल होती है तब ये एंगल्स में क्या रिलेशन आता है, ये लोग हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो उससे सबसे पहले हम लोग जब ये थ्योरम्स प्रूव करेंगे, उसके पहले हमको कुछ प्रूव स्टेटमेंट चाहिए. क्या चाहिए? कुछ प्रूव स्टेटमेंट. एंड हियर वी यूज एक्सियम्स 6.3 एंड 6.4. मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सियम्स क्या होते हैं, ऑलरेडी प्रूव स्टेटमेंट होते हैं, हमको इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है. तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम है, तो एक्सियम 6.3 है इज नोन एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, और ये जो है 6.4 ये कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम. अब ये क्या है एक्सियम 6.3, कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस एंड देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. देखो अगर लाइंस पैरेलल है, इफ एक्स पैरेलल वाई, अगर लाइन पैरेलल गिवन है तो क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा. अंडरस्टैंड, दिस इज एक्सियम 6.4, एक्सियम 6.4 ओनली. नाउ अगर एक्सियम 6.4 इसका उल्टा हो जाएगा, कन्वर्स क्या होगा, इफ ए ट्रांसवर्सल कट टू स्ट्रेट लाइंस, नॉट पैरेलल, इफ ए ट्रांसवर्सल कट टू स्ट्रेट लाइन एंड इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 देन एक्स पैरेलल वाई. आई रिपीट अगेन, इफ ए ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ईच पेयर ऑफ. इसमें यहां पे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 भी हो जाएगा, एंगल 4 8 भी हो जाएगा और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 भी हो जाएगा. ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल. कब? जब लाइन पैरेलल गिवन होती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, एक्सियम्स क्या है, इक्वल होते हैं. ये हम यूज करेंगे अभी आगे जब थ्योरम्स प्रूव करेंगे. नाउ इसका कन्वर्स, अगर कोई ट्रांसवर्सल, इफ ए ट्रांसवर्सल का टू स्ट्रेट लाइन देन इफ 1 इज इक्वल टू 5 और वी कैन राइट 2 इज इक्वल टू 6 देन लाइंस विल बी पैरेलल. तो क्या होगा, लाइन पैरेलल होगी अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है. और अगर कोई ट्रांसवर्सल दो स्ट्रेट लाइन को कट करती है, ट्रांसवर्सल कट टू स्ट्रेट लाइन एंड इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस विल बी पैरेलल. दैट ऑल अबाउट एक्सियम 6.4. इन दोनों एक्सियम्स को अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं दोनों एक्सियम्स को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे जो नेक्स्ट 4 थ्योरम्स हैं, दो ही थ्योरम है, दो उनकी कन्वर्स है, उनको हम लोग प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक्स.